अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आर्डिनो यूनो बोर्ड के बेसिक कंपोनेंट्स, पिन कॉन्फ़िगरेशन और उसके फीचर्स को देखेंगे। एक्चुअली समटाइम्स स्मॉल इंडस्ट्रीज में जिनका बजट कम होता है, हम आर्डिनो को PLC के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको बहुत सारे रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज जो आर्डिनो यूनो बोर्ड का है वो ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मार्केट में इजी और चीप प्राइस में अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू PLC। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है बी टाइप प्रोग्रामिंग जैक। प्रोग्राम राइट करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करने के लिए हम इस जैक का यूज करते हैं। इसको बी टाइप जैक कहा जाता है। इसका फ्रंट व्यू जो होता है कुछ इस तरह से होता है और ये हमारे पास इस जैक में लगने वाली A to B केबल है। हम ये बी साइड जो है इसको हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं और ये ए साइड को हम अपने सिस्टम या लैपटॉप के साथ अटैच करने के बाद, प्रोग्राम राइट करने के बाद अपने इस बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड फ़ोन से भी हम प्रोग्राम को राइट करने के बाद इसमें अपलोड कर सकते हैं। आगे चल के हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी प्रोग्राम राइट करने के बाद आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करके देखेंगे। इसके लिए आपको इस ए टाइप के साथ OTG केबल लगाने के बाद अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ अटैच करना होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है पावर इनपुट जैक। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग हमारे पास जो USB केबल होती है वहीं से ये माइक्रो कंट्रोलर पावर लेने के बाद ऑन हो जाता है, तो हमें इस इनपुट पावर की ज़रूरत नहीं रहती। जब हम प्रोग्राम कर लेते हैं और इसको यूज़ करना होता है तो यहाँ पे हमें इसको ऑन करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को इस जैक के ऊपर, राउंड जैक होता है कुछ इस तरह से, 7 से 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं। ये 7 से 12 वोल्ट हमने इसकी इनपुट पे या इस जैक में देने होते हैं। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट से ऊपर इस पे अप्लाई करने पे आपका ये बोर्ड जो है माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है ये हमारे पास रिवर्स करंट प्रोटेक्शन डायोड है। स्क्रीन पे आपको एक पूरी पावर सप्लाई बनी हुई नज़र आएगी। ये हमारे पास रिवर्स करंट प्रोटेक्शन डायोड लगा होता है बोर्ड में। इसके अलावा हमारे पास ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर IC है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। और ये हमारे पास कैपेसिटर अटैच होते हैं 47 माइक्रोफेराड के, और ये हमारे पास फिल्टरिंग के लिए यूज़ होते हैं। एक इसकी एक लेग के साथ अटैच है, एक और एक दूसरी लेग के साथ 5 वोल्ट की अटैच है, ताकि हमारे पास स्पाइक्स वगैरह को फिल्टर किया जा सके सप्लाई में से। इसके अलावा हमारे पास एक कंपैरेटर की एक IC लगी होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जब हमने USB केबल भी अटैच की और ये पावर भी हो तो कंपैरेटर इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करने के बाद एक वोल्टेज को पास कर देता है IC को। इसके बाद हमारे पास क्योंकि बोर्ड में 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी अटैच है, तो 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर IC और उसका कैपेसिटर अटैच है। एक्चुअली हमारे पास इस बोर्ड के अंदर दो टाइप की 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई अवेलेबल है। तो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए ये दो रेगुलेटर ICs को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है 16 MHz का, जिसका काम हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड को कंट्रोल करना है। इसके बाद 9 नंबर पे हमारे पास ये IC है, इसको बोलते हैं USB to TTL सीरियल कन्वर्टर IC। एक्चुअली ये हमारे पास ATmega का ही 16U2 कंट्रोलर लगा हुआ है। इस कंट्रोलर का मकसद हमारे पास USB टू सीरियल कन्वर्जन है। एक्चुअली हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको USB की जबान समझ नहीं आती। इसको इसकी जबान समझाने के लिए हमारे पास ये कन्वर्टर IC लगी हुई है। USB की लैंग्वेज को सीरियल कन्वर्टर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे कंट्रोलर को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे पास ये जो है USB जैक लगे हुए हैं, जिसको ISCP बोलते हैं। ISCP स्टैंड फॉर इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। हेडर पिन्स होती हैं जो कि हमारे पास USB की इंटरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये एक और हेडर पिन होती है यहाँ पे। ये जो है हमारे पास हेडर पिन, वो भी इसको भी इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर बोलते हैं,
और ये सपोर्ट करती है SPI इंटरफेस को। SPI स्टैंड फॉर सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। एक्चुअली जब हमने आर्डिनो को मास्टर या स्लेव की लिहाज से यूज कर रहा हो तो हमें इस पिंस को यूज करना होता है, और इसके अलावा इस बूट लोडर के लिए भी यूज किया जाता है। जब हम IC को जब मैन्युफैक्चर होती है तो डायरेक्ट इसमें आप प्रोग्राम को अपलोड नहीं कर सकते जब तक इसको इसके अंदर बूट लोडर को अपलोड करके बर्न ना कर दिया जाए। एक बूट लोडर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो SPI जो इंटरफेस है, प्रोटोकॉल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मास्टर होता है और मल्टीपल स्लेव्स के साथ आप इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं आर्डिनो को। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये जो है ATmega328P IC लगी होती है, और ये 8-bit IC इसके फीचर्स कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है, और ये इनपुट वोल्टेज है रिकमेंडेड है 7-12 वोल्ट, वो एक्चुअली इस जैक के लिए रिकमेंडेड वोल्टेज है। IC के लिए ये 5 वोल्ट ही हैं, और इसके इनपुट पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो 6-20 वोल्ट। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो इनपुट पे वोल्टेज है इस पावर जैक पे वो 20 और 6 के दरमियान रहने चाहिए, नहीं तो आपकी जो IC है वो वर्क सही नहीं करेगी और डैमेज भी हो सकती है। और 14 जो है डिजिटल पिन्स हैं, 6 जो है इसके अंदर एनालॉग पिन्स हैं जिसको GPIOs पिन भी कहते हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसके जो IOs हैं उसकी मैक्सिमम जो करंट कैपेबिलिटी है वो 40 mA है, और अगर 3.3 वोल्ट पे आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर 50 mA, अगर इससे ज़्यादा करंट इसमें से पास होगा तो आपकी जो IC है वो डैमेज हो जाएगी माइक्रो कंट्रोलर की। इसकी फ्लैश मेमोरी 32 KB है, और SRAM है, स्टैटिक रैम है, वो हमारे पास 2 KB की है। EEP ROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल अरेसेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ये 1 KB की है, और इसकी क्लॉक स्पीड जो है जो कि क्रिस्टल की स्पीड है वो 16 MHz है, आप इसको अप टू 40 MHz तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे आ जाती हैं पावर पिंस, तो ये हमारे पास इस बोर्ड की पावर पिंस हैं। अगर आपने ये जैक यूज़ नहीं करना और ये आपने केबल भी अटैच नहीं की हुई, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है जैक राउंड टाइप, तो आप इस जगह पे वी इन और ग्राउंड पे 7-12 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं इसको पावर देने के लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास रेगुलेटेड 5 वोल्ट अवेलेबल है वोल्टेज, तो आप डायरेक्ट इधर 5 और इधर ग्राउंड के साथ अटैच कर सकते हैं। वैसे ये ग्राउंड और ये ग्राउंड और एक और ग्राउंड है इस IC के ऊपर, ये वाला, ये आपस में अटैच है तीनों ग्राउंड्स। तो ये 3.3 वोल्ट है, या आप अगर आप 3.3 वोल्ट आपको चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं, 5 वोल्ट चाहिए तो ये आपको एज अ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऑन करने के लिए इन पिंस का यूज करना है तो आप 5 वोल्ट इस पे इनपुट भी दे सकते हैं और ये ग्राउंड यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर 7-12 वोल्ट की पावर सप्लाई आपके पास तो आप इस पिन और इस पिन पे अप्लाई करके इसको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इसका रीसेट का सिग्नल है, आप इस पर रीसेट का सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा वो स्टार्ट से दोबारा जो होगा कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और ये जो है डिजिटल IOs के लिए रेफरेंस सिग्नल है और इस पिन को हम यूज नहीं करते। इसके बाद हमारे पास जो एनालॉग पिन्स हैं वो 6 एनालॉग पिन्स हैं, A0 से A5 तक। एनालॉग सिग्नल मींस कि हमारे पास जो इसके वोल्टेज हैं इनपुट पे 0 से 5 वोल्ट तक हम वेरिएबल वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं DC, और हर पिन की जो रेजोल्यूशन है चैनल की वो 10 bit है। इट्स मींस कि हमारे पास 0 से 5 वोल्ट तक जब हम इस पे सिग्नल वेरी करते हैं तो हमारे पास जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1023, जो कि हमारे पास 1000 टोटल 24 डिविजन्स बनती हैं 5 वोल्ट की, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है तो आप इसको एनालॉग इनपुट के तौर पे और डिजिटल इनपुट और आउटपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन पिंस को आप एनालॉग आउटपुट पिंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। और इसके अलावा हमारे पास जो ये पिंस हैं A4 और A5, ये हमारे पास TWI या I2C TWI 2-wire इंटरफेस को सपोर्ट करती हैं ये पिंस दो, और यहाँ पे इस
यहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, ये दो पिन जो हैं TWI पिन्स हैं, जो कि एक प्रोटोकॉल है टू वायर इंटरफेस, जिसमें आप मल्टीपल स्लेव्स और मल्टीपल जो हैं मास्टर्स अटैच करके उनके आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो इन दो ये दो पिन्स भी आपके लिए इसलिए अवेलेबल हैं, और ये दो पिन्स भी आपके पास इसके लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है डिजिटल पिन्स हैं, तो हमारे पास 0 से लेके 13 तक टोटल 14 जो है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं। इसको आप एज अ डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मीन्स के 0 और 1, ये 0 वोल्ट को 0 काउंट करता है और 5 वोल्ट को 1 काउंट करता है। तो आप इन पिन्स को एज अ इनपुट और आउटपुट यूज कर सकते हैं एज पर यूअर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा जो जो इसका स्पेशल फीचर है वो ये है कि ये TTL को भी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। TTL मीन्स ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, या UART इसको बोलते हैं आप, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, जो कि सीरियल कम्युनिकेशन कहलाती है। ये एक ही चीज़ का नाम है इसका, और इसको सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली जब आपको सिर्फ 2 डिजिटल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं UART प्रोटोकॉल को। और इसके अलावा हमारे पास जो ये 10, 11, 12 और 13 हैं, ये हमारे पास SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, जो कि हमारे पास ये पिन्स हैं और ये पिन्स भी हैं। तो जो काम हमारे पास ये पिन्स करती हैं वही काम हमारे पास ये पिन्स भी कर सकती हैं। ये वही हैं SPI पिन्स हैं या SPI सपोर्ट करती हैं ये। इसमें हम एक को मास्टर रख लेते हैं डिवाइस को, और उसके साथ मल्टीपल आप स्लेव्स को अटैच कर सकते हैं। और जो हमारे पास एक और जो ज़बरदस्त इसका फीचर है वो ये है कि PWM, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये साइन, ये PWM का है। तो हमारे पास जो 3, 5, 6, 9, 10, 11 जो ये पिन्स हैं, ये हमारे पास PWM को भी सपोर्ट करती हैं। PWM मीन्स कि आप इसको डिजिटल इनपुट आउटपुट, और PWM अगर आपको सिग्नल आउटपुट चाहिए को आप नॉर्मली एनालॉग आउटपुट बोलते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास ये होता PWM का सिग्नल है, जो कि 0 से 5 वोल्ट के दरमियान आप आउटपुट ले सकते हैं, उसको आप एनालॉग आउटपुट भी कह सकते हैं, लेकिन होता एक्चुअली वो PWM का सिग्नल है। तो 3, 5, 6, 9, 10, 11 ये जो 6 हमारे पास पिन्स हैं, ये PWM आपको आउटपुट दे सकती हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एनालॉग रेफरेंस है एट द लास्ट। ये हमारे पास ग्राउंड, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ये ग्राउंड का सिग्नल है, ये हमारे पास ए रेफरेंस है। ए रेफरेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल IOs लगी होती हैं, तो आपके जो ये वोल्टेज हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनकी वजह से आपके जो एनालॉग जो वोल्टेज हैं या रीडिंग्स हैं उसमें एरर बढ़ जाए, तो आप उस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज, ताकि आपका जो एनालॉग इनपुट है वो इस वोल्टेज से कंपेयर हो। एक्चुअली जो हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर है, जो आप इसको इनपुट पे सिग्नल देते हैं, वो इसको जज करने के लिए फाइव वोल्ट की पावर सप्लाई है, इसको कंपेयर करता है इस इनपुट सिग्नल से और आउटपुट आपको देता है डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद। लेकिन अगर आपका एरर आ रहा हो तो आप इस ए रेफरेंस को यूज़ करके उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स। अपने आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद वीडियो जो है इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।